ऐसा हुआ कि कहीं से अर्निंग स्टार्ट होना शुरू हुई हो आपकी, तो लोगों का क्या रिएक्शन था? मतलब जैसे आसपास के लोग होते ही हैं। हाँ, तो अभी जैसे कि मतलब आस पड़ोस कैसे गांव में ही हो जाता है, अगर कहीं मैं गांव में वीडियो बनाने जाऊं तो सारे लोग एकदम भीड़ लगा खड़े हो जाएंगे, क्या बन रहा है। वैसे किसी को समझ में नहीं आता है ये रील वगैरह गांव में। अब मेरी 10th के भी पेपर त्रैमासिक वाले हो चुके हैं, तो उसके बाद जब मैं स्कूल अभी 2-3 थोड़े दिन तक नहीं गई, उसके बाद में जब मैं गई तो वहां पे सर ने बोला कि तुम्हारा नाम काट दिया गया है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉप से। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नए वीडियो के नए अंदाज में। तो फाइनली जैसा कि आप सभी को पता है, इस वीडियो का आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख रखा है। अभी मैं पहुंचा हूँ अपने गाँव से करीब 40 किलोमीटर दूर। जी हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो में मौजूद यहाँ पे हमारी छोटी बहन जो कि सोशल मीडिया पे इस समय काफी ज्यादा वायरल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम पर इनके हमने वीडियो देखे, तब से मेरी मतलब बहुत इच्छा थी कि मैं मिलने जाऊं, बात करूं आप लोगों को, इनकी जर्नी से मिलवा सकूं कि इन्होंने जर्नी जो है कहां से शुरुआत अपनी करी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं एक्चुअली में, जो घर पे रह के वीडियो बनाना चाहती हैं और किसी न किसी मजबूरी में, घर वालों के दबाव प्रेशर में वो काम नहीं कर पाते। वैसे सोशल मीडिया का आजकल जमाना है और अभी लड़के ही नहीं, लड़कियां भी अच्छा खासा मुकाम हासिल कर रही हैं, और कई तो आप लोगों के आसपास से भी हो सकती हैं। तो फाइनली इस वीडियो को हम शुरू करेंगे, और उससे पहले आप लोगों को बता दें, वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए, जो नया स्टार्ट करने वाला बंदा है उसके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और आप लोगों को कहीं ना कहीं इंकरेज ही करेगा सोशल मीडिया पे काम करने के लिए। तो सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? तो सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से जय श्री राम राधे। तो मेरा नाम स्वाति वर्मा है, मैं शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और अभी मतलब जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन लोगों का थैंक यू सो मच। आगे आप कंटिन्यू कीजिए। तो वही चीज है, स्वाति वर्मा नाम से आईडी है, इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, स्वाति वर्मा ऑफिशियल स्वाति वर्मा ऑफिशियल ऑफिशियल नाम से। हाँ 2,08,000, हाँ 2,08,000 है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कब से शुरू हुआ, कब से आपको आईडिया आया कि हमें यूट्यूब पे वीडियो, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना चाहिए, और किसको देखकर? मतलब मैं किसी को देखकर नहीं, मैंने ये नहीं सोचा कि वो बनाती है तो मैं भी रील्स बनाना स्टार्ट करूं। ये हुआ है मतलब जब मेरे पास पहले तो फोन नहीं था, और अभी मम्मी ने मुझे फोन दिलाया जैसे तैसे करके, तो मैंने सोचा इस पे, पहले इंस्टाग्राम नहीं जानती थी कैसा होता है, बट नॉर्मल सा इसको कैमरा ही समझती थी मैं। और उसके बाद में जब इसको जाना है तो पहले भैया ने एक दो बार बोला कि रील बनाओ, तो ऐसे ही कभी महीने 15 दिन में एक वीडियो बना ली, दो वीडियो बना ली। और उसके बाद कभी दिमाग में आया, जब खुद से खुद का फोन लिया तब मैंने स्टार्ट किया वीडियो बनाना। तो अभी मुझे 1.5 साल हुए इंस्टा पे एक्टिव आए हुए। अच्छा, उससे पहले कभी टिकटॉक पे या बिगो जो भी नहीं एप्लीकेशन किसी पे चलते थे नहीं, उस टाइम पे नहीं ने ट्राई नहीं किया। अच्छा, इंस्टाग्राम पे शुरुआत करी 1.5 साल पहले, तो हाँ लोगों का क्या रिएक्शन था? जैसे मतलब खुद आसपास के लोग होते ही हैं। हाँ। तो अभी जैसे कि मतलब आस पड़ोस कैसे गांव में ही हो जाता है, अगर कहीं मैं गांव में वीडियो बनाने जाऊं तो सारे लोग एकदम भीड़ लगा खड़े हो जाएंगे, क्या बन रहा है। वैसे किसी को समझ में नहीं आता है ये रील वगैरह गांव में बनाना। गांव में लोग देखते तो जरूर हैं, दूसरे के वीडियो लाइक भी करेंगे, लेकिन अगर अपना ही पड़ोसी और गांव का बनाने लगेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन कर क्या कर रहा है, वो गलत हाँ हो जाता है उसके लिए, हमें लग रहा है इस तरीके से। हाँ, बाहर के वीडियो देखेंगे वो दिन रात इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो देख देख के टाइम निकालते हैं अपना है। तो वहां से शुरुआत हुई, गाँव वालों का भी जो रिएक्शन है वो उनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे क्या कर रहे हैं। ठीक है, और जानेंगे कि पढ़ाई में अभी आप क्या कर रही है, पढ़ाई भी पढ़ाई में कंटिन्यू अभी है? मेरा 10th मतलब चल रहा है, वो भी अभी रुका पड़ा है। बात कुछ ऐसी है कि अभी मेरे साथ में बहुत ज्यादा गलत हुआ है। अभी जब मेरी 10th के भी पेपर त्रैमासिक वाले हो चुके हैं, तो उसके बाद जब मैं स्कूल अभी 2-3 थोड़े दिन तक नहीं गई, उसके बाद में जब मैं गई तो वहां पे सर ने बोला कि तुम्हारा नाम काट दिया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि सर की कोई गलती नहीं है ना कि मेरे स्कूल की गलती है। वो एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि मेरी जो फीस थी वो टाइम पे नहीं जमा हो पाई, और जो पिछले ईयर के भी कुछ पैसे नहीं जमा हो पाए, इसलिए सर ने बोला है कि तुम्हारा नाम काट दिया गया अच्छा, है। इस साल 10th है ना, तो हाँ इसका तो ये भी है कि सोशल मीडिया पे काम करते करते पढ़ाई भी आपकी जारी है। हाँ तो इस टाइम तो कुछ पता नहीं है, अब मेरा आगे हो पाएगा इस साल या फिर मुझे फिर से करना पड़ेगा, ये तो डाउट है अभी। पढ़ाई को लेके बाकी 10th था इस बार, है ना? हाँ तो जैसे अभी घर वालों का है,
घर वालों पे तो अभी तो सपोर्ट है कर रहे हैं ना, सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। जब पहली बार बताया था कि वीडियो बनाना है तो क्या रिएक्शन था ऐसे घर वालों का? मतलब पहले तो भैया के मतलब बनवाते थे तो बोलते थे बनाओ, तो फिर कुछ नहीं, अगर पापा को पहले दिखा पापा हम भी रील बनाना स्टार्ट करें तो पापा ने कुछ नहीं बोला, बोला बनाओ, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे लोग सपोर्ट करते हैं, घर वाले पूरा सपोर्ट करते हैं, बाहर वाले जो भी बोलते हैं है ना। और उसके साथ साथ पढ़ाई भी हो रही है, बहुत लोग बोलते हैं कि अगर घर वाले बोलते हैं कि फोन दिला देंगे बच्चे को तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सही बच्चा अगर पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी काम करता है, अच्छा खासा फॉलोवर हो जाता है, फेम हो जाता है, उसके बाद अपनी फेस वैल्यू हो जाती है, तो फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करेगा तो चार पैसे अर्न ही हो जाते हैं उससे, ठीक है। तो 2 लाख फॉलोवर हो गए, आप सभी को पता है ऐसे ही नहीं हो जाते चुटकियों में, 2 साल करीब लग गए, 1.5 साल, ठीक है। और YouTube पर आने का कोई प्लान या है चैनल? YouTube पर अभी मेरा न्यू चैनल है, उस पे मेरे 5,000 सब्सक्राइबर हुए हैं और आगे जारी है काम। 5,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो यानी कि अभी मोनेटाइज होना बाकी है आपका चैनल? हुआ है। उस पे ऐसे किस तरीके के वीडियो बनाती है, अगर पब्लिक जाए तो किस तरीके से बनाती है? हाँ, तो मैं ज्यादातर डांस वीडियो ही बनाती हूँ और ब्लॉग भी बना लेती हूँ, मतलब शॉर्ट वीडियो वहाँ पे ही ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं? हाँ, हर जगह फेसबुक पे भी मिल जाएंगे शॉर्ट और इंस्टाग्राम यूट्यूब हर जगह। तो आगे मतलब जैसे अभी और कौन कौन से प्लेटफॉर्म से ज्वाइन किए, जैसे फेसबुक पे भी? नहीं, अभी मैंने तो अभी तक ओनली 3 ही, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब, बाकी और भी चलते हैं अदर, वो किसी पे भी नहीं गई मैं। यूट्यूब पे किस नाम से था आपका? स्वाति वर्मा ऑफिशियल, उस पे भी। और फेसबुक पे? फेसबुक पे ओनली स्वाति वर्मा। ओनली स्वाति वर्मा, हाँ। अच्छा, ऐसा हुआ कहीं कहीं से अर्निंग स्टार्ट होना शुरू हुई आपकी? अभी मुझे कुछ नहीं कहीं से भी, अभी मतलब काम चल रहा है, प्रोसेस में है हर चीज, ठीक है। लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से चाहिए, तो यूट्यूब पे ज्यादा से ज्यादा काम हमें लगा करना चाहिए आपको, जिससे हो सकता है कि आपका कुछ ही दिनों में पेमेंट वहां से आने लगेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम आप सभी को पता है फॉलोवर देता है, फेस वैल्यू वहां से देता है, लेकिन ऐसा कोई मोनिटाइजेशन का भी ऑफिशियली वहां पे अपडेट नहीं आया हुआ है जिससे आपकी अर्निंग हो सके। अच्छा, और बताइए कुछ की जैसे जब वीडियो बनाती है आप कितना टाइम देते हैं वीडियो बनाने के लिए? पहले तो जैसे इस टाइम तो गर्मी का मतलब टाइम चल रहा है तो काफी धूप होती है, तो अगर मैं कभी बनाती हूँ 3 या 4 बजे से बनाती हूँ, उसमें अगर कभी कभी ऐसा होता ना कि वो मतलब 3-4 बजे जाते हैं सारे लोग आ जाते हैं छत पे, तो मैं जल्दी में तो धूप में जाना पड़ता है हमें, और इतनी ज्यादा धूप होती है और चप्पल या फिर शूज पहन के डांस कर नहीं पाते हैं, और तो फिर बहुत ज्यादा गर्म होती है, छत छत पे ही रील्स बनाते हैं। अच्छा, यही जो दिख रही है हमें? हाँ, तो मतलब बहुत ज्यादा गर्म होने प्लस इतनी धूप, बहुत पसीना आता है, बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। रील्स बनाने के बाद में मैं 1 घंटे तक कुछ भी नहीं बोलती हूँ, बस आराम से लेटे रहते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं होता। आप लोग सोचो भाई कि धूप में तो ऐसे नॉर्मली नहीं निकला जाता, उसके बाद फिर नंगे पैर डांस करना, और कई बार पैर में चोट भी लग चुकी है डांस करते टाइम, तब है मुश्किल तो है, मतलब इतना आसान नहीं है। अगर आप लोग देखते हो एक रील देख के स्वाइप कर देते हो बिना लाइक करे या किसी को फॉलो करे, तो वो 15 सेकंड की भी रील बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है ये मैं नहीं बता रहा हूँ, एक रील बनाने वाला ही इंसान हमें बता रहा है और आप लोग भी समझ सकते हो। ऐसे यूं ही रील तो मैं भी कई बार बनाता हूँ तो वो नहीं वायरल होती, तो मुझे भी लगता है कि मैं भी रील बनाता हूँ मेरी नहीं वायरल होती, लेकिन कुछ नया करना पड़ता है। जैसे ये डांस करते हैं लोगों को इनका डांस पसंद आता है, मिलियंस ऑफ व्यूज भी जाते हैं वीडियोस पे, लाखों में हजारों में भी जाते हैं, तो उनके पीछे इनकी घंटों की मेहनत होती है जो कड़ी धूप में इनको करना पड़ता है। अच्छा, जो शाम वाला आप बता रही मोमेंट की शाम को लोग छत पे आ जाते हैं, तो मतलब अगर जैसे कि हमें लगता है कि ये वाली वीडियो हम बनाएंगे जाके तो लोगों को देखेंगे, अगर मेरे कोई भी है, अब पहले तो होता था बट अब नहीं, और पहले था कि अगर कोई मेरे सामने आ जाता था तो मैं रील नहीं बना पाती थी, हेजिटेशन लगता था, थोड़ा हेजिटेशन रहता था, और अब है कि अगर कोई सामने आता भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपना करूंगी, बट उस टाइप का डांस एक्सप्रेशन नहीं हो पाता जिस टाइप का मैं करना चाहती हूँ। से गाने पे डांस करने से पहले हाँ एक्सप्रेशन और कुछ स्टेप भी बनाने पड़ते हैं अपना, ठीक है। तो जब नया नया कोई बंदा काम करता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे करे कोई भी तरीके का वो वीडियो बनाए, तो शुरुआत में यही रहता है कि मतलब हेजिटेशन लगता है, 4 लोग जब खड़े होकर देख रहे होते हैं वो कहे भले कुछ ना, लेकिन अपने आप को लगता है कि 4 लोग देख रहे हैं। हाँ, तो एक मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे हम छत पे गए हैं 3 या 4 बजे के टाइम में, तो फिर ऐसे सारे लोग खड़े हो जाएंगे, हटेंगे नहीं कोई भी देखने के लिए। हाँ, अब थोड़ा वेट करना पड़ता है, थोड़े टाइम तक खड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं, अब कब तक खड़े रहेंगे, तब तक शाम हो जाएगी, तो उनको पता है कि वीडियो बनेगा। हाँ, तो वो खड़े रहेंगे, अगर से एक लोग हैं पास में, नाम तो नहीं लेंगे बट बता रहे हैं, ये उन लोगों को पता है कि 4 बजे मेरी रील बनती है डेली,
आ जाएंगे, रेलिंग के पास खड़े हो जाएंगे और देखते रहेंगे और देखते रहेंगे। एक बार तो मेरी लड़ाई भी बहुत ज्यादा हो गई थी क्योंकि वो वीडियो कॉल पे अपनी फैमिली वालों को दिखा रहे थे। अच्छा, वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे कि देखो। तो मेरी बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी उनसे छत पे ही। अरे काफी ज्यादा लड़ाई हो चुकी है। इसका यही मतलब है तो रिएक्शन ना दो तो कोई दिक्कत नहीं, देखने वाले और कहने वाले तो लोग बोलते हैं और बोलेंगे हमेशा, लेकिन जब 4 दिन बाद जब वो खुद वो फेम मिल जाता है ना तो फिर वही लोग फिर बोलते हैं नहीं यार ठीक है था और सही कर रही थी। तो ऐसे दिन में कितने रील अपलोड हो जाती होंगी आपकी, कितनी रील बना देती है दिन में? मतलब ऐसे टाइम तो कभी कभी तबीयत नहीं ठीक होती है तो डेली तो नहीं बना पाते हैं। हाँ, दूसरे या तीसरे दिन डेली बनाते हैं रील्स। ऐसे 3 तो पक्का है, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे 3 रील डेली पड़ती है। 3 शॉर्ट जाते हैं यूट्यूब पर, हाँ 3 इंस्टाग्राम पर और डांस के ही सारे वीडियो। हाँ, तो अभी मतलब सबसे पहले आपको कौन मिलने आया, जैसे हमें तो लग रहा है बाद में आए, काफी लोग मिलने आ चुके होंगे शायद। तो सबसे पहले कब आए और कहाँ से आए और क्या रिएक्शन था आपका? मतलब सबसे पहले अभी मतलब पहले तो ऐसे ही लोग मिलने आते थे ना कि इंटरव्यू लेने नहीं, मतलब हाँ ऐसे ही नॉर्मली आ जाते थे, जैसे कि थोड़े आसपास के हैं तो बस देखने के लिए आते थे। हाँ, तो, आपको देखा हुआ है। हाँ, तो ऐसे ही अगर हम कहीं जाते हैं तो रास्ते में मिल जाते हैं और ऐसे घर में भी आते हैं बहुत से लोग। और अभी एक पिछली बार मतलब थोड़े दिन हुए हैं, 1-2 हफ्ता, तो एक भैया आए थे इंटरव्यू लेने, वो भी तो थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था ना, फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम था सेकंड। अच्छा, हम सोच रहे थे कि फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं क्योंकि हमने देखा यूट्यूब पर सर्च करके। हाँ, तो पहले देख लिया कि किसी ने लिया है या वीडियो इंटरव्यू नहीं लिया है, तो लेकिन अभी सेकंड टाइम वाले हो गए। कोई दिक्कत नहीं, अगर अच्छा कोई आए हमारे बाद भी तो कोई दिक्कत तो ऐसी होने वाली नहीं है। नहीं, वीडियो नहीं, बनाने कोई के लिए दिक्कत नहीं है, आ तो सकते हैं। आ सकते हैं भाई, वीडियो भी बना सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत, प्रमोशन अगर कराना हो तब भी इनके आईडी पे वो ही भी आपको हो कांटेक्ट जाएगा। करें है ना, डीएम कर आपके सकते हैं। इनके आईडी पे डीएम कर सकते हैं। प्रमोशन अगर किसी भी प्रकार का आपको कराना हो, स्टोरी लगवानी हो, रील बनानी हो, किसी भी प्रकार की। अच्छा, इंडोर ही शूट करते हैं या बाहर भी शूट करते हैं, कैसे जाके कहीं हाँ, तो आसपास? हम जैसे कहीं अगर बाहर गए हैं काम से तब भी रील बना लेते हैं रास्ते में। और अभी मतलब यहाँ मैलानी साइड भी चले जाते हैं और इधर खेत हैं काफी, उधर भी चले जाते हैं। मतलब और भी सीन दिखा हाँ देती है बैक हाँ कैमरा से, ज्यादा तो छत पे रहता है, अगर कोई फ्री होता है तो चले जाते जैसे हैं। बगल में यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह यानी कि जंगल उंगल है सब मैलानी हाँ वाला, हाँ उधर हाँ चले जाओ तो और अच्छे से आ जाता है लुक। तो फोन अभी कौन सा ऐसे रील बनाते, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत महंगा फोन चाहिए बनाने के लिए, आईफोन चाहिए रील नहीं, बनाने के लिए। ऐसा नहीं होता, अगर खुद के अंदर टैलेंट हो तो फोन नहीं रोक पाएगा। कितने हजार फोन से मतलब कितने हजार का फोन था, कौन सा फोन था जिसे स्टार्ट किया आपने? मेरा शायद 12,000 का फोन था, इन्फिनिक्स हॉट 10। मतलब जो नॉर्मली अब हर बंदे के हाथ में रहता है, हाँ नहीं, उससे अच्छे अच्छे हैं सबके पास, जो कुछ नहीं नहीं मतलब करते। नॉर्मली बता रहा हाँ है, छोटा छोटे आदमी के पास 12,000-14,000 तक का फोन तो रहता ही है। वो हाँ करना चाहे शुरुआत तो वहीं से कर सकता है, बहुत बड़े बड़े कैमरे और आईफोन या बड़े बड़े फोन लेने की जरूरत तो नहीं है रील बनाने की वीडियो बनाने के लिए। ये तो सब बहाना चाहिए क्योंकि आप लोग करने के लिए हो तो 10-12 हजार के फोन से भी स्टार्ट किया जा सकता है और वहीं से दो। अभी भी वही फोन है, हाँ अभी भी वही है, अभी जब भी से देखो स्टार्ट वही, किया है तो वही अभी है। भी वही है 12,000 वाला फोन अपना और उसी से 2 लाख फॉलोवर हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़े कैमरे की या बहुत बड़े फोन की जरूरत है आपको रील बनाने के लिए या किसी वीडियो को बनाने के लिए। हाँ पर है, क्वालिटी तो देनी पड़ती है। तो आगे अपडेट करेंगे आप भी, हाँ आगे फोन अपडेट होंगे, वीडियो और अच्छे आएंगे। वीडियो मतलब और बढ़ा के भी डाल सकती है, अभी से 3 डाल रही है तो रील तो और हाँ बढ़ा के भी डाल तो सकते मतलब हैं। वो उस हिसाब से अगर कोई अगर वीडियो वायरल हो रही है तो मैं अपलोड कर देती हूँ और भी ज्यादा, अगर वो रुक रही है तो नहीं करती हूँ। तो नहीं करते सर, रीच हाँ के हिसाब से देखते हाँ हैं डेली का। हाँ अच्छा, पहला वीडियो कौन सा था, कितने रील बना डाली थी तब कोई वीडियो वायरल हुआ, कौन सा था? अभी अचानक क्या हुआ था, जब मेरे 1,30,000 सब्सक्राइबर वो फॉलोवर्स थे इंस्टाग्राम पे। 1,30,000। हाँ, तो मतलब जो मेरी आईडी थी उस पे कुछ लोगों ने रिपोर्ट मारी थी तो वो फ्रीज हो गई। उस अच्छा, पे फॉलोअर्स आते थे दिन में 1,000, तो फिर वो 500 या 600 घट जाते थे, ऐसा हो रहा माइनस हो था। जाते थे। हाँ, अपने आप से। तो अभी तो बहुत ज्यादा, तब उस पे अगर वीडियो दिन में डालते थे तो वो 300-400 व्यूज जाते थे 1,00,000 फॉलोअर होने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। तो अभी जो यही आईडी मैंने, थी। हाँ यही आइडिया है, तो मैंने मतलब हार नहीं मानी ना, डालती रही, कोशिश करती रही, डालती रही। तब उस पे एक जाके वीडियो 3.2 मिलियन निकला था अचानक से। अच्छा, वो अचानक वीडियो पहला मतलब हाँ, जो दुल्हन वाली वीडियो थी वो वाली वायरल हुई थी कुछ सबसे नया पहले। था कंटेंट उसमें हाँ, है ना। उसके बाद में वो मेरी वायरल हुई, उसके बाद में कुछ ट्रेंड चला था फोटो वाला, वो डाली तो वो 5 मिलियन निकली। वो धीरे धीरे जब वीडियो मिलियंस में गई तभी मेरे फॉलोअर्स भी आने। तब 2 लाख कुछ 8-10 हजार फॉलोवर अभी है हाँ और आप लोग इंस्टाग्राम आईडी जाके देख भी सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो। तो
तो अपने शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट से मतलब डिस्ट्रिक्ट बदल गया ना, हम इतनी दूर आ गए 40 किलोमीटर दूर, हाँ, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से हम आ गए तो यहाँ आ गए, तो शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट आ गया। ठीक है, तो जैसे अभी स्टार्ट इन्होंने जिस तरीके से किया है और जिस तरीके से इनके वीडियो वायरल हुए हैं, और नॉर्मली जो कैमरे से है उसी कैमरे से इन्होंने बनाया हुआ है, बस कंटेंट में दम था इनके, इसी वजह से वीडियो वायरल होते हैं और पब्लिक इनको इतना देखती है। और आगे ये अभी तो यूट्यूब पर हमें लग रहा है कम ही काम करती हैं, 5,000 सब्सक्राइबर वहां पर भी हैं, आप लोग वहां पे जाओगे तो डेली ब्लॉग भी बना सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे 3 महीने काम किया है, वैसे तो चैनल बस ऐसा ही था मेरा 3 महीने से, वो भी शॉर्ट वीडियो ही, लेकिन पब्लिक चाहेगी कि कुछ वहां पे आप अपने मतलब जिंदगी से भी रिलेटेड जैसे ब्लॉग बनाए, कुछ बनाए जो जान सके, क्योंकि क्या है पता है जब आपको लोग देखते हैं शॉर्ट वीडियो में देखते हैं तो आपको मतलब पर्सनली लोग नहीं जान पाते ना, तो वहां से होता है कि चलो डेली ब्लॉग ही बनाते हैं तो उसमें आपको जानते हैं लोग, आपका डेली रूटीन देखना चाहते हैं, इस तरीके से देखना चाहते हैं कि लॉन्ग वीडियो में देखना चाहते हैं, वो टर्म होता है। इसे किसी भी प्रकार से देखा होगा, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं तो रील या शॉर्ट बना बना के फिर फुल वीडियो वो बनाने लगते हैं। तो आगे का कैसे क्या है, आपको काम करते रहना है? हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि आगे बढ़ूं, मतलब आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिले तो मैं भी निकलूं, जैसे कि इस टाइम काफी ज्यादा लोग फेमस हो रहे हैं और लाखों में पैसे कमा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मुझे लाखों में मिले, पर यह है कि मैं अपनी फेस वैल्यू बनाना चाहती हूँ कि जहां भी जाऊँ वहां हमें हर लोग जाने, ये करना चाहती हूँ। सोशल मीडिया पे आने का मतलब होता है, कई लोग सोचते हैं कि पैसे कमाने के लिए आते हैं, नहीं मुझे ये नहीं, मुझे लाखों में नहीं चाहिए, बस हाँ मुझे लाखों फैन चाहिए अपने। मतलब ये इनका कहने का मतलब वही है जो हर आदमी का होता ही है, पैसे तो है ही ठीक है, लेकिन आदमी सोचता है कि यार चार लोग जाने भी, मतलब ये चीज होता है, लेकिन क्योंकि जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते हैं वो शायद सक्सेस भी नहीं हो पाते, इनको लगता है यार इतने देर से काम करे, ये चाहते हैं कि मुझे लोग जाने, उनका प्यार आशीर्वाद मिले, बस इतना ही बात है। नहीं, परेशानी तो आपको भी होती होगी, लोग पोस्ट पर कितने पैसे कमाते हैं। हाँ, तो ऐसे तो बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, पहली बात तो जैसे कमेंट में कुछ लोग गालियां लिख के चले जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नाच गाना बंद करो और वो सब का, तो बोलते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई करो, तो भाई पढ़ाई लिखाई में भी पैसे लगते हैं, ऐसे नहीं हो जाता है कुछ भी, तो अगर करेंगे कुछ मिलेगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। हर चीज में देखो मेहनत है, पढ़ाई लिखाई भी करेगा, इसका मतलब ये थोड़ी 24 घंटे आदमी पढ़ाई लिखाई करता है, मतलब जितना टाइम आप लोग ऐसे बेस्ट कामों में कर देते हो, अरे फोन में रील देखने में लगा देते हो, हाँ, रील तो 24 घंटे चलती रहती है, और उसी मतलब अपने उसी टाइम में हम अपना काम करते हैं, तो जैसे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितने टाइम में आदमी फोन चला के रील किसी दूसरे की देखता है उतने टाइम में अगर आप अपनी बना लो ना तो शायद आप भी कहीं ना कहीं ग्रो कर जाओगे किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो अभी रेगुलर काम कर रही है ये, और मुझे काफी पर्सनली अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि मैं स्पेशली बात करके आया, शायद पहले से आप देखती थी हमें। नहीं, अभी उस दिन अचानक से जब मेरा इंटरव्यू हुआ था उसके दूसरे दिन ही आपको हमने देखा था भैया के फोन में, वो आपके मतलब जो आपने लिए थे इंटरव्यू वही देख रहे थे। मतलब पहले मैं इंटरव्यू ज्यादा करता था, अभी मैंने बीच में बंद कर दिया, टहलना शुरू कर दिया था तो, लेकिन ऐसे लोग जब निकल निकल के आते हैं, छोटे छोटे से गांव से मिडिल क्लास फैमिली से निकल के जब आते हैं ना तो अच्छा लगता है, कोई बुलाए ना बुलाए हम चले जाते हैं कि चलो यार किसी से मिल के आते हैं तो एक वीडियो भी बन जाता है, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि यार ये लोग देखो घर से कर रहे हैं, तो फिर हमको भी मोटिवेशन मिलता है, जैसे हम लोग मिलते हैं छोटे छोटे बच्चियां भाई निकल रही है हमारे यहाँ से, और अच्छा लगता है अपने अगल बगल से हम लोग इतनी दूर दूर लोगों से मिलने जाते हैं, तो क्यों ना कोई वीडियो जब वायरल होता है अपने यहाँ का और अपने यहाँ की कोई लड़की या लड़का कोई भी आगे बढ़ रहा होता तो स्पेशली अच्छा लगता है। अंत में बताइए आप अपने चाहने वालों के लिए या आपको तो जो पब्लिक देख रही है। हाँ, तो उनका भाई थैंक यू सो मच, क्योंकि जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और जो लोग मुझे न्यू है वो लोग भी प्लीज मुझे ज्यादा से ज्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग की वजह से मैं हूँ, अगर जो कुछ भी हूँ आप लोग, अगर आप लोग चाहेंगे तो मुझे आगे तक लेके जाएंगे, आप लोग चाहेंगे तो मुझे कहीं भी गिरा सकते हैं, ये हम कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो मुझे बहुत आगे ले जा सकते हैं, सो प्लीज आप लोगों से यही मैं कहना चाहूंगी, तो मुझे एंड तक प्लीज सपोर्ट करें जितना भी हो सके। जरूर सपोर्ट करेंगे, देखो कोई पैसा नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता, आप रील देखते हो, हर सबके रील देखते हो, एक फॉलो करके भी आप लोग छोड़ते हो तो वो किसी का कोई पैसा नहीं लगता, आपको सबको डाटा उतना ही मिलता है भाई तो कोई पैसा नहीं मांगा जाता हम लोगों को, क्या पब्लिक हम लोगों को चाहिए सोशल मीडिया वालों को आपका प्यार और सपोर्ट, हम लोग कोई किसी से पैसा नहीं मांगते भाई, ऐसा नहीं करते UPI दे रहे भाई नीचे सेंड कर देना बंद तो ऐसा नहीं करते, तो आप लोगों का प्यार सपोर्ट ही हम लोगों के लिए सर आंखों पर है भाई, और इसी तरीके से सोशल मीडिया पर जो भी काम करना चाहता है भाई वो करते रहो, और बाकी कुछ सवाल जवाब हो तो आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएगी और मैं स्वाति की भी डाल दूंगा, वहां पे आप लोग जाके फॉलो करिएगा, जो अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो एक नाम से कई बार बहुत सारी आ जाती है आईडी,
तो इंस्टाग्राम की आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके इनकी आईडी पे विजिट कर सकते हैं। और हमारी आईडी पे भी अगर कुछ सवाल जवाब हो इस वीडियो को लेकर तो जाइए, बिल्कुल वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए, हमारे लोगों के साथ जुड़ने के लिए। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में आएगा बेल आइकन उसको दबा कर पे क्लिक कर देना। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई, यूजर नेम स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।